हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। पाइथन के अंदर पुश और पॉप दो फंक्शंस हैं और इन दो फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे कि पुश को और पॉप को कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो वीएस कोड को हम ओपन करेंगे, क्योंकि कोडिंग तो हम वीएस कोड पे ही करने वाले हैं। ठीक है, और वीएस कोड पे ही ये कोडिंग करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे वीएस कोड को। ठीक है, और यहाँ पर ये वीएस कोड ओपन कर रहा हूं मैं, देखिएगा जरा, ये वीएस कोड है हमारा और इसी पर हमें कोडिंग करनी है। तो ये पुराना प्रोग्राम है जिसको कि मैं हटाऊंगा यहाँ से, ये सारे पुराने प्रोग्राम्स को हटा देता हूँ और यहाँ पर एक नई फाइल राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट फाइल ले लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम पुश को देखेंगे, ठीक है, और पॉप को भी देखेंगे। तो देखिए, पुश का मतलब होता है कि चीजें उस लिस्ट के अंदर डाल दी जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्रिकेट लिखता हूँ। अब क्रिकेट जानते ही है, क्रिकेट एक गेम होता है। ठीक है, और लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे डबल डॉट कॉमा के अंदर जो लिखेंगे वो लिस्ट के अंदर स्टोर होता जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया रोहित। ठीक है, अब ये एक प्लेयर का नाम है, कॉमा लगाया। यहां पर दूसरी बार में हमने लिख दिया हार्दिक, तो ये दूसरा नाम लिख दिया रोहित के बाद हार्दिक, फिर यहाँ कॉमा लगाया, फिर यहां पर अगला नाम मैं लिख देता हूं नीतीश। ठीक है, ये भी एक क्रिकेट प्लेयर का नाम है, ये नया वाला क्रिकेट प्लेयर है। तो लिस्ट के अंदर तीन ही चीज स्टोर है, देख सकते हैं ना। यहाँ पर हम पहले एक काम करते हैं, इसको सेव भी कर लेते हैं। तो यहाँ से सेव पे क्लिक करता हूं और इसको सेव भी कर लेता हूं मैं, लिस्ट के नाम से सेव करूंगा, लिस्ट डॉट पी वाई लगा देंगे। तो ये लिस्ट डॉट पी वाई के नाम से सेव हो गया, अब ये लिस्ट ही बन रही है हमारी। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर हम पुश कराएंगे। जैसे मान लीजिए रोहित है, हार्दिक है, नीतीश है, एक और इसमें प्लेयर को हम पुश कराएंगे जिसका नाम है रविंद्र जडेजा। जडेजा पुश कराना है हमें, तो कैसे पुश कराएंगे, क्या वो मेथड होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे अपेंड। किसके अंदर अपेंड करना है जरा पहले देख लीजिए, क्रिकेट के अंदर। तो यहां लिखेंगे पहले क्रिकेट। ठीक है, तो ये हो गया क्रिकेट, और यहां लिखेंगे डॉट अपेंड, ए डबल पी ई एन डी। ये पुश कराने के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अपेंड एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, अपेंड की कोडिंग हमें दिख नहीं रही है, लेकिन अपेंड काम क्या करेगा, एक एलिमेंट्स को ऐड करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां लिख दिया है अपेंड और यहां पर हम एक प्लेयर जडेजा को अपेंड कर रहे हैं। तो यहां पे जडेजा लिख दिया हमने और जडेजा लिख करके हम इसे प्रिंट करा देंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें जडेजा इसमें अपेंड हो जाएगा, किसके बाद जाएगा जरा सोचिए। रोहित अपनी जगह पे पहले से है, यानी क्रिकेट जीरो, ये जीरो नंबर है। तो क्रिकेट जीरो पे क्या है, रोहित है, वन पे क्या है, हार्दिक है, और यहाँ पे टू पे नीतीश है, और थ्री पे आएगा जडेजा। तो यहां पर अगर मैं क्रिकेट को प्रिंट करवा लेता हूं, यहां पे देखिएगा, तो ये लास्ट में जाके जडेजा अपेंड हो जाएगा इसमें। तो यहां पर इसको पहले मैं सेव कर लेता हूं, तो यहां से जाके सेव पे क्लिक करते हैं, ये सेव हो जाएगा और अब इसको चला देते हैं। तो चलाएंगे तो लास्ट में देखिए जडेजा अपेंड हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से जिसको भी आपको अपेंड कराना हो आप लास्ट में वो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब जब अपेंड कराएंगे नए प्लेयर का नाम, तो जडेजा के बाद वो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूं सचिन। ठीक है, तो यहां पर सचिन जो जाएगा वो लास्ट में जाएगा, यानी जडेजा के बाद स्टोर होगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं सेव करने के लिए और इसको चलाते हैं। तो आप देखेंगे कि सचिन जो है जडेजा के बाद आया हुआ है। ठीक है, आप इंडेक्सिंग भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्रिकेट के बाद, यहां पर इंडेक्सिंग की बात करूं, तो यहां पे देखिए जीरो नंबर पे रोहित, वन नंबर पे हार्दिक, दो नंबर पे नीतीश, तीन नंबर पे जडेजा और चार नंबर पे क्या है, सचिन है। तो अगर चार नंबर की बात करूं तो यहां पर चार नंबर पे सचिन ही आएगा। अगर मैं इसको चला देता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे सचिन ही प्रिंट हो रहा है, यानी कि इंडेक्सिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है हमारी। अब बात करना है पॉप फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें अपेंड होने के बाद यहां पर हम बात करने जा रहे हैं पॉप के बारे में। तो पॉप कैसे करेंगे, तो यहां पर क्रिकेट हमारा नाम है ये लिस्ट का, और क्रिकेट डॉट पॉप करवाएंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। आपको पता है ना, जीरो नंबर पे रोहित है, वन नंबर पे हार्दिक है, दो नंबर पे क्या है, दो नंबर पे आपका नीतीश है, तीन नंबर पे जडेजा, चार नंबर पे सचिन। लेकिन इसमें से लास्ट एलिमेंट जो कि सचिन है वो गायब हो जाएगा, यानी कि लास्ट में जो अपेंड कराया सचिन, एक बार पॉप चलेगा तो वो गायब हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर इसको चला दिया हमने, पहले तो हम इसको हटाएंगे, ये जो फोर है केवल हम क्रिकेट को प्रिंट कराएंगे यहां पर। तो ये हो गया, अब इसको चलाते हैं। तो ये चला दिया,
तो अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, रोहित, हार्दिक, नीतीश और जाडेजा। देखिए, इसमें से सचिन आउट हो गया।